सो एनिमे लवर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो क्वर्क। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं टॉप 5 हीरो क्वर्क की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने विलन्स के क्वर्क को मेंशन नहीं किया है और यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वर्क की बात कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाँचवें नंबर पर जो क्वर्क मैंने रखा है उसका नाम है हेल फ्लेम। करंटली इस क्वर्क को यूज़ करता है जापान का नंबर 1 हीरो एंडेवर, जो कि उसे अलाउ करता है फ्लेम को कंट्रोल करना और मैनिपुलेट करना, जो कि एक नॉर्मल सा क्वर्क है। पर एंडेवर ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग की मदद से इस क्वर्क को फुल पोटेंशियल में यूज़ कर पाता है। चौथे नंबर पे मैंने रखा है जो क्वर्क है वो हाफ कोल्ड हाफ हॉट, जो कि तोरोरो की यूज़ करता है इस क्वर्क को, जो कि एंडेवर का सबसे छोटा बेटा है। अब मुझे कमेंट में गाली देने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस क्वर्क को अगर अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ किया जाए तो ये क्वर्क ऑल माइट को भी टक्कर दे सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इवन एंडोवर ने ये बात खुद कहा था, अगर इस क्वर्क को यूज़ करे तो ये ऑल माइट को भी सरपास कर देगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इसके लिए मैंने इसे टॉप 4 में रखा है। तीसरे नंबर पे जिस क्वर्क को मैंने रखा है उसका नाम है ब्रेन वॉशिंग, जो कि करंटली इस क्वर्क को यूज़ करता है हितोशी। और देखो मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जिससे तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, तो कितना खतरनाक ताकत होगा आप इससे अंदाजा लगा लो। मान लो अगर कोई वॉर चल रहा है, उस वॉर में तुम्हें जीतने के लिए लोग चाहिए और तुम जितने चाहे उतने लोगों को कंट्रोल करके वॉर में भेज सकते हो, कितने परसेंट चांसेस तुम्हें लगते हैं कि तुम वॉर जीत जाओगे? इसलिए इस क्वर्क को मैंने तीसरे नंबर पे रखा है। तो दूसरे नंबर पे जिस क्वर्क को रखा है मैंने उसका नाम है इरेजर। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे ताकत सब कुछ है, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ पावर है, पर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जिससे तुम लोगों की पावर छीन सकते हो, तो सोचो कितना पावर खतरनाक होगा। देखा जाए तो इरेजर की जो पावर है वो तो कमाल की है ही, पर इरेजर खुद भी कमाल का है। इरेजर ने अपने आप को इस हद तक ट्रेन किया है कि इस क्वर्क को फुल पोटेंशियल में यूज़ कर पाता है। इसके लिए इस क्वर्क को मैंने नंबर 2 पे रखा है। पहले नंबर पे मैंने जिसे रखा है उसका नाम है वन फॉर ऑल। देखो इसे करंटली यूज़ डेकू करता है और मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, पर मैं इस पर एक पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइटम को दबा दो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।